अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुदा करे ऐसे ही हो। चलें आज का नया दिन और नया व्लॉग शुरू करते हैं। इतनी प्यारी चमकती धमकती धूप है और ये मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी, मैंने कहा इसको छोटा छोटा सा कर दूँ ताकि ये बर्ड्स को डाल दूँ तो वैसे ज़ाया हो जाएगी। और फिर आज पता मैं आपको लेके जाने वाली हूँ सहूर फेस्टिवल में, वो रात को 10:30 पे खुलता है वीकेंड पे, ये वीकेंड का व्लॉग है। तो आज उससे पहले जो जो मैंने किया वो आप देखें और एंड में आपको मैं दिखाऊँगी वहाँ के मज़े। और बस यहाँ पर मैं फिर कॉस्को गई थी, वहाँ से थोड़ा सा ये सामान लेके आई हूँ, उनको समेट रही हूँ। तो ये वाली चीज़ें थी, थोड़ा बहुत करनी थी, ज़्यादा नहीं। एक बच्चे को ये फ्रूटी पेबल चाहिए थे, पता नहीं कैसे खाने हैं ये मीठे इतने, तौबा, लेकिन चलें ये लाई हूँ। फिर गए हैं मस्जिद, वहाँ पर ये खाना था, राइस थे, चिकन गोश्त का सालन है, दाल है और क्या है, चिकन बेक था, और इसके बाद क्या चीज़ थी, हाँ मैक्रोनी चीज़। और उसके बाद हम घर आए और घर आने के बाद दोबारा कपड़े चेंज किए, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर वो जो फूड फेस्टिवल जो होगा, फूड जो कोर्ट है, ट्रक फूड एरिया होगा, वो आउटसाइड होगा, तो वहाँ होगी सर्दी बहुत ज़्यादा। तो मैंने चेंज किए कपड़े और मैंने मोटी सी जैकेट मैंने तो ले ली है, क्योंकि मुझे तो पता है कि सर्दी बहुत लगने वाली है। अच्छा, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि, हमेशा सुनते थे कि है लेकिन कभी सोचा नहीं था जाने का, लेकिन मुझे कोई मेरी फ्रेंड ने उन्होंने बताया कि बहुत मज़ा आएगा, मैं भी जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ, कह चले फिर चलते हैं। वहाँ जाके देखा, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि वहाँ इतनी लंबी लाइन लगी होगी, कि वहाँ से वहाँ तक 10:30 रात को, हम 11:30 शायद पहुँचे थे, तो बस बहुत लंबी लाइन थी। लेकिन बीच में हमारी लाइन कट गई, क्योंकि उन्होंने कहा कैश वाले इस साइड पे आके दें, क्योंकि एंट्री इसकी थी आई थिंक $5 ईच, वो दिया और उसके बाद हम अंदर चले गए हैं। और ये है मज़ेदार सा जो फेस्टिवल था, सहूर फेस्टिवल, ये डियरबोर्न में, और ये अरबियों वो जो हैं अरबिक लोग, उन्होंने सेटअप किया होता है ये सारा। उसमें ज़्यादातर उन्हीं के खाने उसी तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हमें उसमें वहाँ पर देसी भी मिले, गोलगप्पे भी दे रहे थे, और एक जो फूड ट्रक बाहर है उसमें वो भी थी, बिरयानी और समोसे और ये वो सब कुछ था। लेकिन इफ्तार के बाद इतना हैवी खाने का तो कोई ख़ास मूड नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने बस जो छोटी मोटी सी चीज़ें ट्राई की, लेकिन मज़ा बहुत आया। जैसे अब था कि गर्मा गर्म बाहर, सर्दी में दिल चाह रहा था कि कुनाफा, और मुझे याद आ गया टर्की इस्तंबुल, कि मैं जब वहाँ पर हम रहते मतलब रहे हैं जितने दिन भी, मेरा ख्याल है 8 से 10 दिन रहे हों, और सोचें कि हम डेली वहाँ पर जाके मुस्तफ़ा वो जो है वहाँ पर फेमस थे, उनके वॉकिंग डिस्टेंस पे था हमारा होटल, हम डेली वहाँ जाके रात को टी उनकी और कनाफा वगैरह खा के आते थे। तो मुझे वो ही याद आए, इतना मैंने मिस किया उसे। तो ये यहाँ पर लेकिन लाइन इतनी लंबी थी, इतनी लंबी लाइन थी, क्या नहीं बिल्कुल भी नहीं हम खड़े हो सकते, ठंड भी बहुत है। तो ये लोडेड फ्राइज़ थे फलाफल के साथ, चिकन के साथ, वो ले लिए, मैंने कहा चलें ये ट्राई करते हैं, ये बड़े मज़े के थे। इसके ऊपर उन्होंने कुछ सॉस जो डालते हैं वो बहुत मज़े की थी, तो ये अच्छा लगा, ये खाया, और बस इतना वाली भूख थी कि थोड़ा थोड़ा सा दिल चाह रहा था कि ट्राई करें। अब ये देखिए यहाँ समोसा चाट भी मिल रही थी और बिरयानी भी थी। बस फिर उसके बाद ज़्यादा देर बाहर नहीं रुके, हम अंदर आ गए हैं। अंदर आके ये छोटे छोटे उनके जो स्टॉल लगे हुए हैं, ये देखें ये जो टी कप्स हैं, ये $7 या $8 के कहते हैं कप आप ले लें, और रिफ़िल भी आप लेते रहेंगे, कहवा टी या कॉफ़ी दोनों आपको दे सकते थे, रिफ़िल करते हैं और फिर जो कप है वो आप घर ले आएँ। बस ये देखें, ये भी कुछ चीज़ थी, ये मैंने इनसे पूछने की कई दफ़ा कोशिश की, लेकिन शायद वो बच्चे को पता नहीं था कि मतलब वो ये पूछ रहे थे कि क्यों क्या है, मैं इस तरह से हर चीज़ नहीं पी सकती हूँ क्योंकि कैफीन ना हो ये ना हो, मैं इसलिए पूछ रही थी। लेकिन उसको बस कहते ये वो है शरबत कुछ कह रहे थे, मुझे याद भूल गया कि क्या था, बहरहाल वो इस तरह से ये डाल के दे रहे थे, पता नहीं ये यमनी था, ये भी मैंने नहीं पूछा, लेकिन बड़ी यूनिक सी ये एक चीज़ थी कि जिससे वो डाल के देते थे, इससे अपने इतना हैवी सा कंधे पर डाला हुआ है। फिर यहाँ पर ये बेटी कहती है वो देखिए टिकटॉक पे फेमस लोग, मैं समझी ये वाला मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ, ये तो चारे वैसे तस्वीर खिंचवा रहे थे, लेकिन फेमस लोग वो खड़े हुए थे, तो मुझे तो नहीं पता इनका नाम भी नहीं पता। वो बेटी ये कहती कि हाँ ये टिकटॉक पर काफ़ी फेमस है, चलो थोड़ी सी इनकी भी वीडियो बना देती हूँ। तो रश इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि बहुत, ये देखिए अभी टोमेटो पोटेटो जो, ये भी मैंने फर्स्ट टाइम जो थे इस्तांबुल में खाए थे, टर्की में,
वहाँ पर जो स्पाइसेस कुछ डाल के दिए थे वो दूसरे थे, यहाँ पर इन्होंने चीज़ और चीटर्स जो है क्रम उनका वो डाला हुआ था। मज़े के थे, गर्मा गर्म चीज़ जब आता है ना बड़े अच्छे लगते हैं चीज़ी से। ये कालिया और उसके बाद बस इसी तरह घूमते घुमाते दिल चाह रहा था कि इस टाइम को गर्मा गर्म सी कुछ चीज़ मिले, लेकिन कॉफ़ी मुझे पीनी नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था, टी भी नहीं लेनी थी। मैंने कहा अब घर चलते हैं, जल्दी से जाके मैं अपनी जो है ना डी कैफ टी वो पीऊँगी। خدتك في الجفا شانت منها الكفوف قدر لي وزيفا चाहें, क्योंकि बहुत थकन हो गई थी तो, लेकिन इन लोगों का बिल्कुल मूड नहीं था और ये जाते जाते कहते हमने ये भी ट्राई करना है। और यहाँ पर ये वो श्रिम टेम्पोरा और राइस सुशी थी, कोई राइस उसके अंदर क्रैब मीट था, ये खाना था। सारे लोगों के फ्रेंड बहुत इनको मिल गए तो इनका दिल चाह रहा था कि हम उन्हीं के साथ घूमते फिरते रहें। हमने कहा घर चलें, बहुत देर हो गई है। तो बस हम लोग फिर घर की तरफ इनको ले कर निकले, हालाँकि इनका बिल्कुल मूड नहीं था। तो बहुत ही थका देने वाला दिन था आज, लेकिन बहुत मज़ा आया। तो बस अब घर की तरफ रवा दवा हैं। चले भी, आज का दिन हुआ हमारा ख़त्म। अब नए दिन और नए ब्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय।